हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज आपसे बात करेंगे एम्ब्रॉयडरी मशीन की, आप कैसे हेड टाइमिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा मशीन का हेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा किसी एक नीडल में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि रहा हमारा एक नंबर नीडल, जिसे हमें अभी डाउन करके रखा है ऑलरेडी। जैसे कि इस नंबर नीडल में स्टिच नहीं ले रहा है, लेकिन दो या तीन नंबर में स्टिच ले रहा है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका मशीन में जब सैडल का प्रॉब्लम हो, तो आपका किसी भी नीडल में स्टिच नहीं लेगा, और सैडल का प्रॉब्लम ना हो तो आपका किसी एक पे स्टिच लेगा और दूसरे पे जब नहीं लेगा, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका टाइमिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे सॉल्व। और हमने ऑलरेडी सैडल चेंज करने का वीडियो एक बनाया है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे आके। और रही बात, आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा एक नील, हमने ऑलरेडी डाउन कर रखा है। और हम आपको मॉनिटर से आप कैसे टाइमिंग कर सकते हो, अभी परफेक्ट तरीके से हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहते हैं, जैसे कि आप का जो नीडल स्टिच नहीं ले रहा है, उसे डाउन करिए, उसका नाप ले लीजिए, और आपके पास में जिसका स्टिच ले रहा है उसका नाप ले लीजिए, दोनों नाप को आप सेम कर दीजिए, तो आपका स्टिच आ जाएगा। उसके बावजूद भी नहीं आता, तो आप जाइए मॉनिटर में, जाके दबाइए फिंगर। दबाने के बाद आप दबाइए पीडी। दबा के आपको दबाना है फाइव दबा के इंटर दबा के फिर पांच नंबर पे आना है। आने के बाद आप देख सकते हैं, आपको इस ऑप्शन में आना है, आके आप इस ऑप्शन को इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको दबाना है 165। ठीक है, चलिए हमने अभी दबा के आपको दिखाते हैं। इस कोड को दबाने के बाद आपको इंटर करना है। तो फ्रेंड, आपको इस नंबर को दबा के इंटर करने के बाद क्या होता है कि आपका जो मशीन का नीडल है वो हो जाता है पूरा डाउन। आप जब इसको दबाएंगे तो आप अपना मशीन का जो बॉबिन केस है उसे खोल लीजिए और देखिए कि आपका जो नीडल है सेटल के कितने अंदर है। ठीक है, आपको ज़रा ध्यान से देखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं रहा हमारा सेटल, और आप देख सकते हैं इस नीडल को थोड़ा सेटल के नीचे है। आप देख सकते हैं हमारा उंगली भी इसमें टच हो रहा है। तो आपका नीडल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है कि आपका मशीन में धागा भी कटता है, इस चीज़ का प्रॉब्लम भी होता है। और रही बात आपका मशीन में जो टोटल बॉबिन केस है, उसमें भी दाग होता है। तो आपको क्या करना है, इसे हल्का से ऊपर में कर देना है, तीन नंबर एल की से आपका जो टाइमिंग है उसे। तो ये रहा हमारा टाइमिंग। हम टाइमिंग का जो मेन टाइमिंग है, इसमें तीन नंबर का एल की जाता है, इसको आपको आप हल्का ढीला करिए। करने के बाद क्या करना है आपको, आप इस हल्का ऊपर में करके सेट कर दीजिए। तो उम्मीद है हम आपको अच्छी तरह से समझ, मतलब अच्छी तरह से बोल पाया कि आप कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। तो आपका कोई भी, आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी मतलब आपको कुछ दिक्कत हो या आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपका कमेंट का उत्तर ज़रूर देंगे। तो उम्मीद है वीडियो को बहुत ही पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो कोई भी फ्रेंड अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए।